मेरे माता पिता कहते हैं अगर मैं इस्कॉन चला गया तो मैं तो संत बन जाऊंगा, मैं तो वृंदावन चला जाऊंगा, उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगा और मैं सन्यास ब्रह्मचारी ये सब एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये बहुत ज्यादा बनावटी बात है आई गेस। आपको यही नहीं पता कि ब्रह्मचारी और सन्यासी होता क्या है। ज्यादा भक्ति में चला गया तो ये सन्यास ले लेगा, ये ब्रह्मचारी बन जाएगा। अरे नहीं माता जी पिताजी ऐसा नहीं है। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस्कॉन ज्वाइन कैसे करें। हरि बोल हरे कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों। तो इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इस्कॉन है क्या। इस्कॉन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज लोग आते हैं, क्योंकि हमारे गुरु शिला प्रभुपाद की कृपा से फॉरनर्स भी हमारी संस्कृति को फॉलो करते हैं, वो भी हमसे ज़्यादा सिंसेरिटी से ऑनेस्टी से। और दूसरी बात, अगर आपका बच्चा हाथ में माला लेके घूम रहा है, चैंटिंग कर रहा है, जाप कर रहा है हरे कृष्णा महामंत्र का और भगवद गीता पढ़ रहा है, शास्त्रों को पढ़ रहा है, तो इसमें गलत क्या है? आप मुझे बताइए क्या गलत है। एटलीस्ट माला की जगह सिगरेट तो नहीं है, और भागवत गीता शास्त्रों की जगह वो लड़की या फिर लड़की कोई लड़का तो नहीं घुमा रही ना, यही तो सोचिए आप। आपको क्या लगता है इस्कॉन में क्या सिखाया जाता है? इस्कॉन में भगवान के करीब जाना सिखाया जाता है, आपके मॉरल वैल्यू समझाई जाती है आपको। नहीं आपने तो सोच लिया कि मेरा बच्चा अगर इस्कॉन जाएगा वो तो संत बन के ही बाहर आएगा। नहीं जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी तक नहीं बन पाई। आपके बच्चे अगर ज़्यादा कृपालु होंगे, उनकी कृपा होगी भगवान की, तो हरि बोल। बाकी मैं तो नहीं बन पाई अभी तक। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब हम इस्कॉन जाते हैं ना, तो इस्कॉन में सबसे पहले तो हमें ये सिखाया जाता है कि चैंटिंग करो भैया, आपके जीवन में हरे कृष्णा महामंत्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हरे कृष्णा महामंत्र मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस्कॉन में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आप माला कीजिए। माला करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भगवान को याद करना 24 आवर्स। भगवद गीता में कहा गया है कि हमें भगवान को 24 आवर याद करना है, स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। अब भगवान हमें कह रहे हैं और हम ना माने, बेसिकली हम नहीं मानते ना, भगवान ने 24 आवर्स कहा है। अब आप ही बता दो कि आप कितना याद करते हो, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाती। बहुत सारे काम होते हैं और इवेंचुअली हम भूल जाते हैं। तो चैंटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक स्पेसिफिक अपने दिनचर्या से भगवान को समय दें पर्सनली निकाल के, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आपको बताया जाएगा कि कंठी पहनना क्यों ज़रूरी है। तीसरा आपको बताया जाएगा कि शास्त्र पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आपको भगवद गीता दी जाती है, आपको बोला जाता है कि आप घर में भगवद गीता रखें, भागवतम रखें और भी प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ें अगर आपको भक्ति में डेवलपमेंट करना है। तो भगवद गीता पढ़ने के लिए दी जाती है ताकि आपको ही पता चले कि आपको और भगवान का कनेक्शन क्या है, आप इस मटेरियल बॉडी में क्या कर रहे हो, ये आपके ही नॉलेज के लिए है। और इस्कॉन में क्या सिखाया जाता है, क्योंकि मैंने तो आज तक इसके अलावा कुछ देखा नहीं कि वहाँ पे लड़की छेड़ना सिखा रहे हैं, वहाँ पे सिगरेट पीना सिखा रहे हैं, वहाँ पे ड्रग्स लेना सिखा रहे हैं। क्योंकि आपको ये लगता है ना कि आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, तो किस वे में बिगड़ेगा मुझे ये बताइए भाई। वो भक्ति फॉलो कर रहा है, आध्यात्मिक जीवन पे जा रहा है, आपको तो उसको इनक्रेज करना चाहिए। और शास्त्र पढ़ने से कोई साधु नहीं बन जाता, सालों की मेहनत होती है, तपस्या होती है कि मैंने आज भगवद गीता पढ़ा और दूसरे दिन मैं कह रही हूँ कि मैं तो अब जा रही हूँ वृंदावन ही रहूँगी, वहीं साधु बन जाऊँगी, साध्वी बन जाऊँगी, अब वापस नहीं आऊँगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप एक मटीरियल बॉडी में हैं और आपके काफ़ी डिज़ायर्स होते हैं, उसको ओवरकम करना होता है। आप किसी वर्क में हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को आपको फॉलो अप करना है, आपकी लाइफ है आपको फॉलो करना है। लेकिन इस्कॉन में ये सिखाया जाता है कि उस लाइफ में रहते हुए, उस मटेरियल लाइफ में रहते हुए आपको भगवान को कैसे पाना है, बस। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा इस्कॉन जाएगा तो साधु संत और ब्रह्मचारी बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत होती है, एक हफ्ता, दो हफ्ता, महीना, साल, 30 साल, 40 साल, इतना टाइम लगता है सोचने में भी, 20-30 साल लगते हैं कि हाँ अब मुझे ब्रह्मचार्य लेना है। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक कि इस्कॉन ज्वाइन कैसे करते हैं। देखिए इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ
रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस आपके नियरेस्ट इस्कॉन में जाना है, रोज जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए, कीर्तन कीजिए, डांस कीजिए, चैंट कीजिए, वहाँ पे जाइए, रोज जाइए और आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। इस्कॉन में दो चीज़ें हैं, एक माता जी का ग्रुप होता है और एक प्रभु जी का ग्रुप होता है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, किसी सीनियर माता जी से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे इस्कॉन ज्वाइन होना है। इस्कॉन ज्वाइन होने का मतलब ये है कि वहाँ पर श्रीमद् भागवतम की क्लासेस होती हैं और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे आप ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं, वहाँ पे आप ऑफलाइन जाकर भी क्लास अटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। तो जब आप इस्कॉन जाते हैं वहाँ पे आपको सीनियर माता जी प्रभु जी मिलते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हमको भागवतम की क्लासेस लेनी है, तो वो आपको बता देंगे और एक ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे जो कि माता जी का अलग होता है और प्रभु जी का अलग होता है। दैट्स इट, आई होप आप समझ गए हो कि इस्कॉन ज्वाइन कैसे करते हैं, क्योंकि इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको केवल इस्कॉन में जाना है, फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना है, वहाँ पे कीर्तन में पार्टिसिपेट कीजिए, वहाँ पे संडे फीस्ट होता है, लेक्चर होते हैं, लेक्चर अटेंड कीजिए, प्रसाद खाइए, आनंद लीजिए, और इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इस्कॉन नहीं भी जा रहे हो, प्रभुपाद जी के डेली बुक्स पढ़ रहे हैं ना, तो भी आप एक इस्कॉन सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो जितना हो सके प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़िए डेली बेसिस पे, जैसे आप कोई नोवेल पढ़ते हैं वैसे ही आप कृष्णा की बुक पढ़िए डेली बेसिस पे, जो कि आपको ये बेनिफिट करेगी। अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप इस्कॉन आके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो आपके मन में है वही कीजिएगा। इस्कॉन एक कम्युनिटी है जो कि गौड़ीय संप्रदाय फॉलो करती है, मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि इस्कॉन क्या है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं उसका। आपका मेन मोटिव ये है कि आपको भक्ति करनी है, इवन इस्कॉन वाले भी यही कहते हैं कि आपको भक्ति करनी है, हमारे राधा कृष्ण की सेवा करनी है, जो सुपर ट्रुथ है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसको जानना है, और एब्सोल्यूट ट्रुथ ये है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बस इसके अलावा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जब आप शास्त्रों को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाता है। कोई अगर आपको कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहा है कि इस्कॉन वाले ऐसे हैं, इस्कॉन वाले वैसे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है, क्योंकि 100 जने सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें से 20 जने आपसे जेलस होने वाले भी होंगे। तो इग्नोर नेगेटिविटी, आप पॉजिटिव वे में जाइए, खुद विजिट कीजिए, खुद जानिए, दैट्स इट। मेरे लिए इस्कॉन इज़ द वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, बिकॉज वहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं, हमारे राधे श्याम हैं, हमारे गौर निताएं हैं, हमारे राम परिवार है, और मैंने आज तक कोई ऐसी सोसाइटी या फिर ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं देखी मंदिर की जो भगवान को इतना पर्सनली ट्रीट करता हो, और जहाँ पे मुझे शास्त्रों के बारे में इतना नॉलेज मिलता हो। आपका भाव जिस भगवान से ज़्यादा है उसकी भक्ति कीजिए, केवल भक्ति करना इन द एंड, बिकॉज कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा। भक्ति कीजिए, जितना हो सके भगवान के पास जाइए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़िए और कृष्णा के हो जाइए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो आई होप आपको समझ आया हो कि इस्कॉन कैसे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इस्कॉन में जाइए और आप ऑटोमेटिकली इस्कॉन ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, तो हरे कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में, शिला प्रभुपाद की जय। जय गौरंगा, जय नित्यानंदा, हरि बोल, हरे कृष्णा।